गाइस, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो खासकर आज मैं मोबाइल से रिलेटेड ही लेके आया हूँ, लेकिन आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो क्या मज़ेदार होने वाला है? आप लोगों को पता है कि मोबाइल से क्या क्या फ़ायदा होता है, लेकिन आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि मोबाइल से क्या क्या नुकसान भी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पे, इसी मैटर पे, इसी बात पे आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, और आप लोगों को फायदा होगा ही होगा हमारा हर वीडियो से। तो गाइस, जैसा आप लोग जानते हैं कि घर घर में चारों तरफ आजकल LED बल्ब लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए हैं, घर घर में मोबाइल है आजकल। तो ये सब हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है, ये सब से, मोबाइल से, टीवी से, बल्ब से काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे नुकसान क्या है? तो चलिए गाइस, इसी मैटर पे मैं बताता हूँ, इसी टॉपिक पे बात करते हैं, कि यही आज जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों के बीच ये वीडियो आज लेकर आया हूँ। चलिए गाइस, शुरू करते हैं कि हम लोगों को मोबाइल से, बल्ब से और टीवी से क्या घाटा होता है, क्या नुकसान होता है। तो गाइस, जैसा आप लोग जानते हैं कि बल्ब जो घर में लगे हुए होते हैं, अगर लगातार हम लोग कंटिन्यू अगर उस बल्ब को एक लगातार देखते एक नज़र से, और कुछ देर के बाद वहाँ से नज़र हटा के कहीं और देखते हैं कोई चीज़ पे, तो हम लोगों को काफ़ी धुंधलापन दिखाई देता है। ये नोटिस किया होगा आप लोगों ने, और फिर वो धुंधलापन धीरे धीरे कम होता है और धीरे धीरे वो चीज़ हम लोगों को साफ दिखाई देता है, सही दिखाई देता है। अगर हम लोग उसी तरह लगातार टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो हम लोगों का सर काफ़ी थकान थकान महसूस होता है, दुखने लगता है, दर्द देता है, और नज़र फिर कहीं और करते हैं तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा आँख गलता है, कभी कभी आँखों से पानी भी निकलता है। तो ये सब क्यों होता है, क्या रीज़न है? तो गाइस, ये सब बातों को मैं बताने वाला हूँ, ये सब हम लोगों का क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो ये जान लीजिए गाइस कि ये सब का कारण सिर्फ एक ही है, और वो कारण है मोबाइल का रेडिएशन। जी हाँ गाइस, मोबाइल का, टीवी का, बल्ब का, जो भी सबसे निकलता है उसे रेडिएशन कहते हैं। काफ़ी लोग मोबाइल भी यहाँ पे ऊपर पॉकेट में रखते हैं, तो यहाँ पे मोबाइल रखते हैं तो क्या होता है, हार्ट पे प्रॉब्लम होता है। बाजा जब कहीं पे बजता है तो जोरों का आवाज़ जो है काफ़ी हम लोगों के धड़कनों में तेज़ आवाज़ आने लगती है, काफ़ी हम लोगों को प्रॉब्लम भी होता है। गाइस, उसी तरह है, मोबाइल को हमेशा डिस्टेंस बना के रखें, सोने के वक्त मोबाइल को इतना दूरी पे रखें कि रेडिएशन आपको छू भी नहीं पाए, आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाए, और आपके बच्चों को भी सेफ रखें। बच्चों को भी मोबाइल उतना ही दें जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा यूज करने नहीं दें। जितना हो सके उतना मोबाइल से डिस्टेंस बनाइए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने बच्चों को सेफ रखिए, और मोबाइल को भी सेफ रखिए, क्योंकि रेडिएशन जो निकलता है मोबाइल से वो हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, उससे आँखों पर भी प्रॉब्लम होता है और सर दर्द पर भी प्रॉब्लम होता है, सर पर भी दर्द शुरू हो जाता है, आँख गड़ना भी शुरू हो जाता है, आँखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है, काफ़ी तरह का प्रॉब्लम होता है रेडिएशन निकलने के कारण। और एक बात मैं और कहूँगा गाइस, फ़ायदा जितना हम लोगों को मोबाइल से है वो फ़ायदा लिया कीजिए, वो फ़ायदा का यूज कीजिए, और जो नुकसान जिससे है हम लोगों को, कोशिश कीजिए कि वो नुकसान ना हो, और उससे मैं अपना सेफ रहूँ और अपने फैमिली बच्चों को भी सेफ में रखूँ। सोने के समय मोबाइल को डिस्टेंस बना के रखें ताकि आपका कोई दिक्कत नहीं हो, और मोबाइल कहीं भी लेके जाएं बाहर में तो ऊपर पॉकेट में नहीं रखने के बजाय आप नीचे पॉकेट पे रखें, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हार्ट पे प्रॉब्लम होता है मोबाइल से। और नीचे रखिएगा तो आपका काफ़ी सेफ रहेगा, रेडिएशन जो निकलेगा काफ़ी सेफ रहेगा। और आप टीवी और बल्ब जो है वो तो हर पल हर समय उसके सामने उसके करीब हम लोग रहते नहीं हैं, इसलिए वो हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। एनी टाइम हम लोग बल्ब को देखते नहीं है, एनी टाइम टीवी हम लोग देखते नहीं है, इसलिए नुकसान हम लोगों को वो ज़्यादा नहीं पहुंचा पाता है। लेकिन मोबाइल आज के डेट में, आज के माहौल में ऐसा हो चुका है, ऐसा क्रेज़ हो चुका है कि आदमी हर चीज़ के बिना रह सकता है, लेकिन आजकल मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। हर पल हर एक सेकेंड में मोबाइल चाहिए, मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल देखते हैं। तो जितना ज़रूरत हो उतना मोबाइल देखिए, और ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल नहीं देखिए। आप अपने आँख का सेफ रखिए, आँख को बचाइए, अपने बच्चे को भी सेफ में रखिए, अपने आप को भी सेफ रखिए, और मोबाइल से डिस्टेंस बना के रखिए, और मोबाइल से जितना हो सके दूरी बना के रखें। तो गाइस, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। मोबाइल, टीवी, बल्ब, ये हमें जितना फ़ायदा देते हैं उसका फ़ायदा लीजिए, और जो नुकसान हम लोगों को होता है ये सबसे, कोशिश कीजिए कि वो नुकसान से हम दूर रहें, क्योंकि दुनिया में सब कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मैं कोई प्रोडक्ट, कोई कंपनी के बारे में ख़राब नहीं कहूँगा। तो जिससे जो फ़ायदा होने वाला है वो फ़ायदा यूज कीजिए, और
जिससे जो नुकसान होने वाला है, कोशिश कीजिए वो नुकसान को आप जितना दूर रख सकें।